अब देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ गिरने के साथ ही जबरदस्त ठंड भी पड़ने लग गई है। कश्मीर में पारा -3 डिग्री तो चमोली में -10 डिग्री तक दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने भी तैयारियां पुख्ता करनी अभी से शुरू कर दी है। बर्फबारी से वादियां गुलजार, कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फ से ढकी पहाड़ियां, माइनस में पारे ने लगाया गोता। कुदरत ने इस खूबसूरती से धरती के स्वर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर का बर्फीला श्रृंगार किया है कि वाकई ये जमीन जन्नत सी लग रही है। पहाड़ों से गिरता पानी जमने लगा है, पानी की बूंदे बर्फ में तब्दील होती जा रही हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछने लगी है। कश्मीर में शीतलहर का दौर मानो चल पड़ा है। कश्मीर में बीती रात इस सर्दी की सबसे ठंडी रात रही है। श्रीनगर में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे चला गया है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कश्मीर के सभी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर मंगलवार सुबह की बात करें, एक बार फिर श्रीनगर का रात का तापमान -2 तक जाकर लुढ़का, जबकि कश्मीर के पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में हालत और भी खराब है। अगर हम गुलमर्ग, पहलगाम और यूसमर्ग की बात करें तो 0 से 5 डिग्री नीचे तक तापमान लुढ़का है। इस ठंड से और पानी जमने से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में फिलहाल शुष्क ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर से कश्मीर के अलग अलग ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई है। आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी के दौर की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। बडगाम जिला प्रशासन ने बर्फ हटाने वाली गाड़ियों की व्यवस्था की है, ताकि सड़कों पर बिछने वाली बर्फ की चादर तत्काल हटाई जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू की जा सके। हमारे पास जो फ्लीट है मशीन इसका ये है, हमारे पास जो ट्रक माउंटेड स्नोप्लो है वो है 8, तो हमारे पास जो ट्रक माउंटेड 8 है, ट्रैक्टर माउंटेड हमारे पास 9 है। इसके अलावा हमारे पास जो नई मशीन आई है बहुत एडवांस्ड है, ये खुशाइन बात है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए भी। हमें यूनिमॉग यानी मर्सिडीज बेंज मेक है, वो मशीन हमें मिली है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए, वो ड्यूअल यूज है। उधर उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फ ने पैर पसार लिए हैं। पहाड़ों से गिर रहा पानी जमकर ठोस बर्फ में तब्दील हो चुका है। पानी ने जमकर मानो लंबे लंबे बर्फ के खंजर की शक्ल ले ली हो। ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने कैनवस पर बर्फ की बेहद खूबसूरत लकीरें खींच दी हैं। यहाँ नीति घाटी में बर्फबारी से तापमान लुढ़क गया है। आलम यह है कि यहाँ -10 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। ऐसे में आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। पहाड़ों में जहाँ एक और जबरदस्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं पानी की बूंद बूंद बहते नाले, नदी, सब कुछ इस समय फ्रीज हो चुका है। नीति घाटी में इस समय हम मौजूद है और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह बर्फ का पहाड़ खड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीति घाटी में तापमान -10 डिग्री तक लुढ़क चुका है और वहीं पूरे बर्फ के पहाड़ नीति घाटी में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, जिन्हें देखने इस समय लोग भी यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड अत्यधिक है, बावजूद इसके लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। पारे के माइनस में गिरने के साथ ही लोग घाटी खाली करने लगे हैं, लेकिन बर्फीले पहाड़ों की खूबसूरती का दीदार करने सैलानी पहुंचने लगे हैं। कश्मीर से अशरफ वानी और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।